आज माता कलिसिया विशेष करके भारत की कलिसिया संत थॉमस उनका पर्व मनाती है, क्योंकि वो एक भारत के संत हैं। वो भारत देश में आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को उन्होंने दूसरों में फैलाया। प्रभु यीशु मसीह का संदेश को उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया और वो उन्होंने लोगों को प्रभु के पास आकर्षित किया। लेकिन यदि आज का सुसमाचार को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, हम वो पाते हैं संत थॉमस एक रूप से अविश्वासी थे। जब शिष्यों ने कहा हम सबों ने प्रभु को देखा है, उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो कहते हैं जब तक मैं उनके हाथों में खीलों का निशान ना देख लूं, खीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप और हम यह सोचते हैं कि जो इंसान प्रभु के साथ थे, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया था, प्रभु के चमत्कारों को देखा था, वो इंसान अविश्वासी कैसे बन सकता है? यहां वो अविश्वासी नहीं बनता है, वो एक सच्चा विश्वासी बनता है। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, धन्य है वो जो बिना देखते हुए विश्वास करते हैं। और जैसे ही संत थॉमस प्रभु को छूते हैं, प्रभु को अनुभव करते हैं, प्रभु से मिलते हैं, उनका तात्पर्य बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है। और वही इंसान जो अविश्वासित है, वही इंसान कहते हैं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। शायद यही अनुभव, यही प्रभु से मिलना हो सकता है संत थॉमस को दूर देश में लेके आया, और वो एक कर्मठ प्रभु का भक्त बन जाते हैं, कर्मठ सुसमाचार को फैलाने वाले व्यक्ति बनते हैं। आप भी हम भी प्रभु का वचन प्रतिदिन सुनते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है? हम विश्वास में कितने डटे रहते हैं? प्रभु के लिए क्या अच्छे काम करते हैं? यह प्रश्न आज इस पर्व के दिन जरूर हमें पूछना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु को छू लें, प्रभु से अनुभव करें, प्रभु को अपनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जीवन में क्या बदलाव आता है, या वहीं के वहीं रहते हैं? आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, जब आज हम सभी इस पर्व को मनाएंगे, हम भी यह सोचें, प्रभु का वचन को सुनने के बाद, प्रभु का वचन पढ़ने के बाद, मैं प्रभु के लिए क्या अच्छा कार्य कर सकता हूं? प्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए दूसरों को प्रभु के पास कैसे ला सकता हूं? वचन के द्वारा नहीं, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे बोली के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा। यह चीज आज के दिन, आज के युग में बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी अविश्वासी हैं, हम भी एक तरह के पाखंडी बन जाते हैं, जो नाम मात्र के लिए ईसाई का जीवन बिताते हैं, लेकिन कार्यान्वित उसको नहीं करते हैं, कार्य में लागू नहीं करते हैं। मसीह संत मत्ती का सुसमाचार में स्वयं कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्मत्याग करें। और वो आत्मत्याग संत थॉमस ने प्रभु को अनुभव करने की बात किया, इसलिए वो इस देश में आए, कठिनाइयां उठाए, राहों पर कांटे थे उसको उन्हें अलग किया। क्या मैं कर सकता हूं? यह आज के दिन आपको और मुझे पूछना है। और आज के दूसरे पार्ट में हम लोग यही सुनेंगे, संत पेत्रुस कहते हैं लोगों से,
भले ही आपने ईश्वर को नहीं देखा है लेकिन उन पर विश्वास करते हैं, भले ही ईश्वर को आप लोगों ने साक्षात रूप में आमने सामने नहीं देखा है लेकिन उनसे आप प्यार करते हैं, यह सब कैसे संभव है? संभव तभी है जब हम प्रभु में लीन होते हैं, अपने जीवन को उनके जीवन से मिलाते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। तभी आज का दूसरा पाठ हमारे जीवन में लागू होगा, नहीं तो जैसे मैंने कहा हमारा जीवन भी एक साधारण जीवन अन्य लोगों के समान एक बन जाएगा, जहां पे ईश्वर की कृपा मिलने के बावजूद भी, अनुभव करने के बावजूद भी बदलाव नहीं है। तो आइए जब हम इस पर्व को मनाएंगे, संत थॉमस को याद करेंगे, उनसे कृपा मांगे कि हम भी हमारे जीवन में कोई ना कोई भला कार्य प्रभु के लिए जरूर करें, ताकि हम भी प्रभु के साथ मिलकर संत थॉमस के समान ये कहें, हे प्रभु हे ईश्वर, हे प्रभु हे ईश्वर, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आमीन।